जैसे एक्सेल को अगर आप ओपन करते हैं और बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं नंबर, तो जब भी नंबर लिखेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर रहा हूँ, तो ये कोई नंबर टाइप किया हमने, और जैसे ही नंबर टाइप करके और आप एंटर करेंगे तो ये देखिए किधर की तरफ लिखा हुआ है, लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये किधर की तरफ चला जाता है, राइट की तरफ। यानी नंबर हमेशा किस तरफ अलाइन होता है, राइट अलाइन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई नंबर हम लिखते हैं, ठीक है, और नंबर लिखने के बाद एंटर कर देते हैं तो ये किधर चला जाएगा, हमेशा राइट साइड में रहेगा। लेकिन यही चीज अगर टेक्स्ट की बात करें, ये देखिए टेक्स्ट मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, और जैसे ही नाम लिख के एंटर करते हैं तो ये लेफ्ट में ही रह जाता है, तो टेक्स्ट हमेशा किधर अलाइन होता है, लेफ्ट साइड, और नंबर हमेशा किधर अलाइन होता है, राइट साइड। अगला जो सिचुएशन है वो ये है कि आपने आगे इस तरीके से टेक्स्ट लिख दिया और ये लिख दिया आप, मतलब आगे आपने नंबर लिख दिया और इधर टेक्स्ट लिख दिया, तो भी ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक तरह का टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमेशा किधर की तरफ अलाइन रहेगा, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, नंबर हमेशा राइट की तरफ अलाइन रहेगा। आई बात समझ में, तो ये चीज समझ में आ गई ना। और ये तो आपको पता ही है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, यानी वर्टिकली जो आपको दिखाई दे रहा है, वर्टिकल बॉक्सेस जो दिखाई दे रहे हैं, ये कॉलम कहलाता है, और ये रो है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ठीक है, ये तीसरी, इस तरीके से ये रो है। और देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, यहां से देखिए ये जो है ना, यहां पर ये लाइन जो है, ये देखिए ये लाइन जो है यहां पर काट रही है एक दूसरे को, इधर से जा रही है तो ये लाइन काट रही है, तो चारों कोने पर काट रही है, यहां पे, फिर यहां पे नीचे, फिर यहां पे, फिर यहां ऊपर, तो चारों कोनों पर जब इंटरसेक्ट कर रही है तो उससे बन रहा है एक सेल, क्या बन रहा है सेल, तो इसे कहते हैं सेल, ठीक है, समझ में आई बात, स्मॉल बॉक्स जो ये बन रहा है इसे सेल कहते हैं। हर जगह देखिए ऊपर से काट रहा है एक जगह, फिर नीचे से काट रहा है यहां से, तो हर जगह के काटने से, इंटरसेक्ट करने से एक सेल बनती है, ठीक है, समझ में आ गया बात।